नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम कढ़ाई पनीर बनाने वाले हैं। पैन में एक चम्मच तेल गरम किया है, इसमें दो लाल मिर्च डाली है, इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर मैं 200 ग्राम पनीर बनाने वाली हूँ, उसके लिए हम मसाले तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले लाल मिर्च को अच्छी तरह से भून लेंगे। मैं यहाँ पर 3 लोगों के लिए सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, उसी के हिसाब से मैं मसाले बनाने वाली हूँ। इसे अच्छे से भून लिया है, इसे निकाल देंगे। दो प्याज और दो टमाटर को काटकर इन्हें भी तेल में अच्छी तरह से भून लेना है। इसमें लहसुन की कुछ कलियाँ मिलाएंगे। मैंने बड़ी कलियाँ ली है, इसलिए मैं दो लहसुन की कलियाँ मिला रही हूँ। अगर आप छोटी डाल रहे हो तो 4-5 कलियाँ लहसुन की डाल दीजिए। इसे कच्चापन निकलने तक भून लेना है। इसे हमने 2 मिनट तक भून लिया है, अब इसे निकाल देंगे। पैन में थोड़ा तेल और डालेंगे। ये मैंने पनीर के क्यूब्स काट के रखे हैं, 200 ग्राम पनीर है, इनको चौकोर क्यूब्स में काट लिया है, इन्हें भी हम तेल में फ्राई करेंगे। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये बिल्कुल तैयार है, इसे निकाल देंगे। मैंने एक शिमला मिर्ची और एक प्याज को चौकोर टुकड़ों में काट कर रखा है, इन्हें भी हम तेल में फ्राई करने वाले हैं। कोशिश करें कि आप प्याज और शिमला मिर्च को चौकोर टुकड़ों में काटें, क्योंकि इससे सब्ज़ी दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, शिमला मिर्च का कलर बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। यह तैयार है, अब इसे निकाल देंगे। अब हम मसाले पीस लेंगे। एक मिक्सर जार में जो लाल मिर्च हमने भून ली थी वो डालेंगे। इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा स्वाद आता है, इसे हम पीस लेंगे। जो प्याज लहसुन और टमाटर हमने भून कर रखा था, इसे भी इसी मिक्सचर जार में डालकर हम पीस लेंगे। उसी पैन में थोड़ा तेल और डालेंगे। इसमें हमने तैयार की हुई अदरक लहसुन और टमाटर की पेस्ट डालेंगे। अब इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे, कसूरी मेथी, भुनी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर से जो हमने मसाला मिक्सर में पीस लिया था वो डालना है। मसाले को इस पेस्ट में अच्छी तरह से पकने देने के बाद कसूरी मेथी की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर की मात्रा आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। हमने इसमें पहले ही 2 लाल मिर्च डाली हुई है मसाले के साथ, इसलिए मैंने 1 ही चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। मिर्च पाउडर का कच्चापन निकलने तक इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से उबलने देंगे। अब इसमें फ्राई किए हुए पनीर, शिमला मिर्च और प्याज के टुकड़े डालेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। स्वादानुसार नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे।
इसमें मैं आधा चम्मच चीनी डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे ढककर पका लेंगे। चलिए सब्जी चेक करते हैं। वाह, बहुत अच्छा कलर आया है। और हमने कसूरी मेथी डाली थी, उसकी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। इसे एक बाउल में निकाल देंगे। दिखने में हमारी सब्ज़ी जितनी यमी लग रही है, यकीन मानिए ये टेस्ट में भी उतनी ही बढ़िया बनती है। ज़रूर घर पर बनाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।